नीट पेपर लीक कांड में सबसे बड़ा पर्दाफाश। न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी पड़ताल। पेपर लीक की पूरी ट्रेल सुपर एक्सक्लूसिव। नीट पेपर लीक कांड की जांच जितनी तेजी से चल रही है उतनी ही लंबी उसके गुनहगारों की लिस्ट होती जा रही है। लेकिन अब इस कांड में न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वो जानकारी सामने आई है जो हैरान करने वाली है। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कैसे कैसे प्रश्न पत्र आया और कैसे वो हजारीबाग के उस सेंटर पर पहुंचा। हमने पूरी पड़ताल की है और पाया है कि अहमदाबाद के एक प्रेस में नीट का पेपर छपा और 28 अप्रैल को पेपर के 9 बॉक्स को ब्लू डॉट कुरियर ऑफिस भेजा गया। ये प्रश्न पत्र रांची से हजारीबाग के स्टेट बैंक पहुंचना था, लेकिन बैंक की जगह हजारीबाग के ब्लू डॉट कुरियर ऑफिस पहुंच गया। और इसी के बाद शुरू हुई पेपर में छेड़छाड़ की कोशिश, क्योंकि बिहार अपराध इकाई की जांच टीम के मुताबिक कुरियर ऑफिस से जब स्टेट बैंक पेपर के बक्से भेजे गए तो इन्हें ट्रक की जगह ई रिक्शा से भेजा गया और परीक्षा वाले दिन स्टेट बैंक से प्रश्न पत्र के 9 बक्से हजारीबाग सेंटर पहुंचे। स्टेट बैंक से ओएसएस स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है और मात्र 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का वक्त लगा, जो हैरान करने वाला है। इसी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, यानी स्टेट बैंक और ओएसएस स्कूल के बीच पेपर बॉक्स ले जाने के दौरान लगे 1.5 घंटे के बीच नीट यूजी के प्रश्न पत्रों से भरे बॉक्सों से छेड़छाड़ किए जाने की आशंका है, क्योंकि ओएसएस स्कूल में परीक्षा के लिए जो 9 बॉक्स पहुंचे थे उसमें 8 बॉक्स बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन 9वें बॉक्स के पीछे की सील टूटी हुई थी और टेम्पर किया हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की ऐसी पैकिंग है कि अगर कहीं खुल जाए और उसे दोबारा चिपकाया जाए तो टेम्पर का पता चल जाएगा। इस बीच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की जांच टीम को यह पता चला कि बुकलेट एक लिफाफे में थी जो एक तरफ से सील पैक होता है और दूसरी तरफ से चिपकाने वाला था, और जांच के मुताबिक पेपर लीक कांड के आरोपियों ने लिफाफे को चिपकाने वाले की तरफ से ना खोलकर दूसरी तरफ कैंची से काटकर बुकलेट को निकाला, फिर उसे कायदे से पैक कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। इस बीच ईओयू की जांच में पता चला है कि परीक्षा से एक दिन पहले पटना में पुलिस को जो अधजला बुकलेट नंबर 6136488 मिला था, वो बुकलेट नंबर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के सेंटर पर एक लड़की को मिला था। उसको रिजल्ट में 110 नंबर आया है। इस पड़ताल के बीच बिहार पुलिस की जांच टीम ने उस लड़की से पूछताछ की। उसके पास से क्वेश्चन पेपर और जिस प्लास्टिक के पैकेट में क्वेश्चन पेपर रखा था वो मिला, जिसे ईओयू की टीम ने जब्त कर लिया। आर्थिक अपराध इकाई की लड़की से पूछताछ में पता चला कि उसको जब क्वेश्चन का पैकेट मिला था वो पैकेट फटा हुआ था, और लड़की ने अपना जो क्वेश्चन पेपर हल करते समय टिक लगाकर उत्तर तैयार की है उसका टिक छोटा है, जबकि पटना में जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला है उसको हल करने में बड़ा टिक लगाया गया है। मतलब ये कि लड़की के क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले बॉक्स से पेपर को टेम्पर करके निकाला गया था, या तो क्वेश्चन पेपर बैंक से सेंटर पर आते समय निकाला गया या फिर हजारीबाग कुरियर ऑफिस से बैंक जाते समय निकाला गया है। ईओयू को पूरा शक और जो साक्ष्य मिले हैं उसमें सबूत बताते हैं कि ये पूरा खेल बैंक से क्वेश्चन पेपर सेंटर ले जाते समय या ओएसएस स्कूल पहुंचने के बाद लीक हुआ है। यही नहीं, जांच में ये भी पता चला है कि पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में भले ही अभ्यर्थियों को एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर रटने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पर प्रश्न पत्र परीक्षा के दिन सुबह 10 बजे पहुंचा था और नीट यूजी की परीक्षा सेकेंड हाफ में थी।